हेलो हेलो माय लवली व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम टू अनदर न्यू ब्लॉग। आप सभी को मेरा चैनल में स्वागत है। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज का दिन था वेडनेसडे और अभी मॉर्निंग का 6:30 हो रहा है टाइम। अभी से मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ और आज मैं आप लोगों के साथ मेरा अर्ली मॉर्निंग एंड मॉर्निंग क्लीनिंग रूटीन शेयर करूँगी। आई होप कि आज का ब्लॉग आप लोग को पसंद आएगा। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हो, पहली बार विजिट कर रही हो, वो लोगों को थोड़ा सा भी ब्लॉग अच्छे लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करना और फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर दीजिएगा और चैनल को हो सके तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों का एक लाइक कमेंट सब्सक्राइब जो होते हैं मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए ब्लॉग में चलते हैं। डेली की तरह जैसे मैं 5 AM या 5:30 के करीब उठती हूँ, वैसे उठ गई थी। और उठने के बाद जो है जैसा हमारा काम होता है, सोनू को रेडी करना, उसके लिए जो है टिफिन वगैरह पैक करना, फिर उसको खिलाना, तो ये बस पे छोड़ के आना, तो ये सब काम जो है मेरा सब कुछ कंप्लीट हो गया था। तो मैं सोच रही थी कि अर्ली मॉर्निंग से ही ब्लॉग को स्टार्ट करूँगी, बट जो लोग ब्लॉग बनाते हो पता ही है सबको, जब कैमरा ऑन करके हम कोई काम करने जाते हैं तो मतलब घंटों बीत जाते हैं, तो इसीलिए जो है मैंने सोचा कि उसको पहले बस छोड़ के आ जाते हैं, उसके बाद जो है ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो आज जो है सबसे पहले मैं क्लीनिंग डस्टिंग का काम कर लूँगी, क्योंकि आज जो है जल्दी जल्दी मुझे लंच नहीं बनाना है, थोड़ी देर बाद बनाऊँगी क्योंकि हस्बैंड जो है आज थोड़ा सा लेट पे जाएगा। वैसे तो आप लोग मुझे डेली देखते हो कि मैं पहले जो है ब्रेकफास्ट लंच बना लेती हूँ, उसके बाद जो है क्लीनिंग डस्टिंग का काम करती हूँ, बट आज वो लेट से जाएगा। तो मैंने सोचा कि इतना 30 मिनट के करीब मेरे पास टाइम है, तो मैं क्या करूँगी उसी टाइम पे जो है ये सब काम कर लेते हैं। और जल्दी जल्दी काम करने से जो है सब कुछ निपट जाते हैं काम भी, और खुद के लिए भी टाइम मिलते हैं और सोनू के लिए भी, तो इसलिए जो है मैंने सोचा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, तो सुबह सुबह जो है सब कुछ काम झटपट कर लेंगे हम। और आज ना पोतेदेव का जो है सुबह सुबह नया डिमांड भी आ गया है, उसको जो है आज सुबह सुबह चिकन करी खाना है, तो मुझे ना एक बार चिकन के शॉप पे भी जाना है और इतने जल्दी तो नहीं ओपन होते हैं, तो इसीलिए जो है मैंने ये सब काम पहले ही कर रही हूँ। तो बिस्तर तो आप लोग देख ही सकते हो, मैंने जो है अच्छे से झाड़ के बिछा दिया है और उसके बाद जो है फर्नीचर्स वगैरह क्लीन कर रही हूँ। तो एक दो दिन बाद बाद जो है जो लोग मेरा डेली ब्लॉग देखते हो उन लोगों को पता है मैं ये सब क्लीन करती हूँ। तो देखिए कॉलिन से जो है मैंने अच्छे से साफ कर दिया है और उसके बाद जो है मैं यहाँ पर टीवी यूनिट को भी क्लीन कर लूँगी। तो कॉलिन जो है निकला है, तो हर मतलब कॉलिन से जो जो क्लीन होगा वो सब मैं फटाफट कर लूँगी। और ये करने के बाद जो है मुझे फ्रिज भी क्लीन करना है। तो चलिए फ्रेंड्स ये सब कर लेते हैं, उसके बाद जो है फिर बातें करते हैं। टेस्टिंग का काम जो है मेरा कंप्लीट हो गया है और उसके बाद मैं आ गई थी किचन पे। तो चलिए अभी जो है लंच का प्रिपरेशन कर लेते हैं। और यहाँ पर देखिए मैंने सबसे पहले जो है राइस पिटा दिया है, क्योंकि राइस होने में जो है ज़्यादा वक्त लगते हैं। और यहाँ पर देखिए चिकन भी लेके आ गई थी, तो चिकन को जो है अच्छे से मैंने वॉश कर लिया था और उसके बाद जो है मैं मैरिनेट कर लूँगी। और आज ना थोड़ा सा जो है अलग से बनाऊँगी, डेली क्या करती हूँ मसाला जो है पहले भूंज लेती हूँ, उसके बाद जो है चिकन ऐड करती हूँ, बट आज ना मैं चिकन के साथ जो है मसाला
मैं मिक्स करके मैरिनेट करके रखूँगी। तो देखिए एक एक करके जो है बेसिक मसाला मैंने ऐड कर दिया था और टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट एंड अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने ऐड कर दिया है। और यहाँ पर ना एक चीज़ जो है मिसिंग है, थोड़ा सा कार्ड रहता तो अच्छा था बट कार्ड जो है मेरे पास ख़त्म हो गया था, तो इसके लिए जो है मैंने टोमेटो दिया था। और अभी चलिए चिकन जब तक मैरिनेट हो रहा है और राइस इधर हो रहा है मैं वेजिटेबल्स वगैरह काट। आज जो है चिकन करी मैं ज़्यादा आलू देके बना रही हूँ, तो और कोई वेजिटेबल्स मैं नहीं बनाऊँगी इसलिए मैंने ज़्यादा आलू ऐड किया है। तो आलू को जो है सबसे पहले मैंने ब्राउन कलर करके फ्राई कर लिया है और उसी आल पे मैंने दे दिया है तेज़पत्ता, सूखा मिर्च और खड़ा गरम मसाला। और ये जब गर्म हो जाएगा यहाँ पर हम मैं ऐड कर दूँगी ऑनियन। तो दो ठो मैंने मीडियम साइज़ का ऑनियन कट किया था और ऑनियन जब ब्राउन कलर का हो जाएगा तो यहाँ पर मैंने एक टोमेटो कट करके रखा था वो ऐड कर दिया है। और टोमेटो ऐड करने के बाद जो है थोड़ा सा मैंने यहाँ पर सॉल्ट भी ऐड कर दिया था, सॉल्ट देने से जो होता है टोमेटो जल्दी जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं। और यहाँ पर देखिए जो चिकन मैं मैरिनेट करके रखी थी वो ऐड कर दिया है। और चिकन के साथ जो है और कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पहले जो है मैंने सब कुछ ऐड कर दिया था, अभी जो आलू मैंने फ्राई करके रखा था वो ऐड कर दिया है। और इसको थोड़ी देर जो है भूनना है तो मैं ढक के पकाऊँगी और गैस का फ्लेम जो है मैंने मीडियम टू लो में कर दिया है। और अभी आप लोग देख ही सकते हो चिकन जो है अच्छे से भून गया था, उसके बाद मैं यहाँ पर पानी ऐड कर दूँगी। गर्म पानी मैं यूज़ कर रही हूँ और पानी देने के बाद जो है बॉयल्ड होने तक ऐड करना है। तो देखिए यहाँ पर जो है चिकन बॉयल्ड हो गया था और एंड में जो है मैंने ये गरम मसाला ऐड कर दिया है। तो वो चिकन करी जो है हमारा बनके हो गया है रेडी। तो आज के लंच में है राइस, चिकन करी और उसके साथ जो है मैंने सलाद बना लिया था। और अब बारी आती है किचन क्लीनिंग की। तो देखिए यहाँ पर जो है गैस ओवन वगैरह मैंने क्लीन कर दिया था और उसके बाद जो है बर्तन वगैरह मैं वॉश कर लूँगी। और पोतीदेव भी अपने काम पर चला गया है। तो किचन क्लीनिंग का काम तो मेरा हो गया था कंप्लीट और अभी मैं एक बहुत अच्छा काम करने जा रही हूँ जो मेरा दिल को खुश कर देते हैं। तो ये काम करना मुझे बहुत ही पसंद है, बहुत ही अच्छा लगता है। तो देख ही सकते हो आप लोग मैं च्यवनप्राश का जो खाली दो ठो कंटेनर था ना वो मैंने ले लिया था और अभी इस तरह से मैंने कट कर लिया है और बैक साइड में जो है ना दो ठो मैंने होल्ड कर दिया था। और उसके बाद यहाँ पर देखिए मैं पुई का पौधा लगा रही हूँ। तो संडे को जो है हस्बैंड मार्केट से ये पुई लेके आया था, इसका लिप जो था मैंने साग बना दिया था और ये कंठ जो है रह गया था तो इसको ही हम लगाएंगे। तो अभी जो है मिट्टी भर लिया है और एक साइड आप लोग देख ही सकते हो, मैंने सोचा कि इस साइड रूट है फिर मैंने दिखा कि नहीं इस साइड तो रूट ही नहीं है, तो जिस साइड रूट था उसी मिट्टी में मैंने लगा दिया। और अभी थोड़ा सा मैं पानी दे दूँगी और ये देखिए विंडो पे रख दूँगी मैं क्योंकि यहाँ पर जो है सनलाइट मिल जाएगा और देखते हैं होते हैं या नहीं। तो ऐसे मैं पहली बार नहीं बहुत बार लगा चुकी हूँ पुई तो होते हैं बट यहाँ पर सनलाइट तो आते हैं ज़्यादा नहीं आते हैं तो इसीलिए ठीक तरह से जो है पेड़ पौधा नहीं होता
होते हैं, बट मेरा जो फ्लावर का पौधा है ना वो अच्छा हो गया है। अभी जो है मानसून के टाइम है तो एकदम जो है ग्रीनरी ग्रीनरी हो गया है, साथ ही में जो है बहुत ही फ्लावर वगैरह आ रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है दिखने में मुझे। मैं तो आप लोगों को बोलती हूँ मुझे जो है ग्रीनरी पसंद है बहुत, तो इस तरह से जब मतलब घर पर कोई कंटेनर वगैरह पड़ा रहता है ना तो मैं इस तरह से यूज़ करती हूँ। और मिट्टी वगैरह जो है मैं अपनी मायके से लेके आई थी, तो अभी चलिए मैं कर लेती हूँ ब्रेकफास्ट। और आज ब्रेकफास्ट में मैंने मैगी बनाई थी सबके लिए और सब काम मेरा हो गया है, इसको बोलते हैं तसल्ली वाली ब्रेकफास्ट। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करती है। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया है, और पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बाय बाय, टेक केयर।